ही सनातनी है। सनातनी का मतलब क्या हुआ? ये जो सनातनी बोलने वाले लोग खुद सनातनी है, सनातन धर्म क्या है उस पर चलते हैं। जो काम साधु का है, जो काम संत का है, वह काम यह अपने हाथ से खुद करते हैं। इसलिए इस देश का साधु संत भी इस बार बीजेपी को माफ नहीं करेगा। तो हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी बोले हैं, क्या गलत बोले हैं? एकदम सही बोले हैं और पूरे बिहार, पूरे देश के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं कि जब सीता जी का हरण हुआ था तो भगवान राम जो है से सीता के खोजले खोजले लंका गया था और रावण से युद्ध करके रावण को मार के और सीता को पुनः अयोध्या वापस लाया था। और आज जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहा, जो अपने पत्नी को छोड़ दिया, जो नारी का सम्मान नहीं कर सका, वह भगवान राम के आदर्श पर चल रहा है और उनको प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। इस बार मैं आपको कह देना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री बिहार से बनेगा। नमस्कार, जन अखबार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। अलौली विधानसभा के विधायक राम वृक्ष सदा जी हमारे साथ हैं। आज इनसे बात करेंगे अहम मुद्दों पे, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले जन अखबार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कभी सोचा था कि हम इतने गरीब हैं और फर्स्ट टाइम जब आपको आवास मिला था तो आप रो पड़े थे, ऐसा क्यों? देखिए, जो करने वाला लोग होता है, जो चलने वाला लोग होता है, जिसको सपना को साकार करना होता है, उसको सोचना नहीं पड़ता है। हम आज से नहीं, बहुत पहले से राजनीति में है और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी जो छोटे वर्ग के लोग थे, निचले तबके के लोग थे, हम लोग मुसहर जाति से आते हैं, उन्होंने राजनीति में लाए भी और हम लोगों को विधायक भी बनाए। जब हम लोग के नेता ही बाबू लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के भगवान हैं, तो यह बात हम कैसे नहीं सोच सकते थे कि हम विधायक बने कि नहीं बने। जब हमारे नेता का हमारे ऊपर आशीर्वाद था तो हर हमेशा हमको लगता था कि आज नहीं कल हमारे भगवान बाबू लालू प्रसाद यादव जी जरूर कहीं न कहीं जगह देंगे, जरूर विधायक बनाएंगे। और आज जिसके चलते आपके सामने जीता जाता उदाहरण है कि हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव एमएलए में सर सबसे ज्यादा गरीब हैं, अभी भी क्या आप गरीब हैं क्योंकि एमएलए बन गए? ना, हम सब दिन गरीबे हैं, देखबे करते हैं। कहाँ आ रहे थे तो हम जा रहे थे, विधायक और वैसे जाता है तो डेरा पर आके पता चल गया होगा आपको कि कहीं टीवी भी नहीं लगा हुआ है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आपको आवास मिला था तो सर आप रो दिए थे? खुशी का आंसू था। हमने सोचा कि मेरे जैसे गरीब लोग को हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने इतना बड़े जगह पर पहुंचा दिया है, वही खुशी का आंसू था। और गरीबों का जब कोई चीज मिलता है तो उसी समय वह खुश होता है। अच्छा, राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है, उस उद्घाटन में क्या लगता है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी जाएंगे कि नहीं? देखिए, सबसे मुख्य चीज है कि वह उद्घाटन जो 22 तारीख को राम मंदिर के लिए होने के लिए जा रहा है, उसमें तमाम कर्ता धर्ता जो लोग हैं बीजेपी के प्रधानमंत्री से जी से लेकर एक कार्यकर्ता तक जी। अब हमारे नेता जाएंगे कि नहीं जाएंगे यह हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी पर निर्भर करता है। हम यह आपको नहीं बता सकते हैं कि वह जाएंगे या नहीं जाएंगे। एक बयान जो है आया है राम मंदिर पे, वो कह रहे हैं कि अगर आपका तबीयत खराब होता है तो आप मंदिर में जाइएगा कि डॉक्टर के पास जाइएगा, तो इसमें गलत क्या है? अगर आप अभी एक्सीडेंट कर जाइएगा तो पहले आपको हॉस्पिटल पहुंचाएगा, पहले मंदिर पहुंचाएगा? आप बोलिए, पहले आपको हॉस्पिटल पहुंचाएगा। तो हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी बोले हैं, क्या गलत बोले हैं? एकदम सही बोले हैं और पूरे बिहार, पूरे देश के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सनातन का विरोध कर रहे हैं तेजस्वी। बीजेपी वाला खुद सनातनी है, जिस भगवान राम को वह प्राण प्रतिष्ठा दे रहा है वह सनातनी है। पहले बीजेपी वाला लोग पूर्ण सनातनी बन जाए। सनातनी का मतलब समझता है, सभी को सम्मान रूप से देखना, सभी को सम्मान बराबरी का अधिकार देना, वही सनातनी हुआ। सनातनी का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो करते रहिएगा वह देश देखते रहेगा। वह लोग खुद सनातनी नहीं है तो दूसरे क्या कहेगा? आपने देखा होगा, आपने रामायण के माध्यम से देखा होगा कि जब सीता जी का हरण हुआ था तो भगवान राम जो है से सीता के खोजले खोजले लंका गया था और रावण से युद्ध करके रावण को मार के और सीता को पुनः अयोध्या वापस लाया था। और आज जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहा, जो अपने पत्नी को छोड़ दिया, जो नारी का सम्मान नहीं कर सका, वह भगवान राम के आदर्श पर चल रहा है और उनको प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। यही उसका आपका अथि धर्म है, यही कर्म है। नारी का सम्मान मोदी नहीं करता, कहाँ करता है, यही सनातनी है। सनातनी का मतलब क्या हुआ?
ये जो सनातनी बोलने वाले लोग खुद सनातनी है, सनातन धर्म क्या है उस पर चलते हैं, ये लोग नहीं चलते हैं। इन लोगों के पास कुछ नहीं है। इन लोग यह लोग बताएंगे कि इस देश में अभी तक कितना मेडिकल कॉलेज बनाया, इस देश में कितना इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, इस देश में कितना लोगों को रोजगार दिया, इस देश में कितना लोगों को नौकरी दिया, इस देश में कितना लोगों को जो है विकास से जोड़ने का काम किया। कभी बोलता है बीजेपी के लोग, वह क्या बोलेगा? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, धर्म, मंदिर, मस्जिद, सनातनी, और उसके पास क्या है? यहाँ देश में लोग को बेरोजगारी है, लोग को भुखमरी है, लोग को नौकरी चाहिए, लोग को रोजगार चाहिए, लोग को विकास चाहिए। यह सब बात बीजेपी के लोग नहीं करेगा। आज हम पता चला है हम लोगों के, जितना आरएसएस के लोग हैं, जितना बीजेपी के लोग हैं, ये अरबा चावल घर घर बंटवा रहा है, छत बंटवा रहा है, सारी को दिया भी जलाना है पूरे देश में। अब पूरे देश में कौन कौन जलाएंगे नहीं जलाएंगे, इसके तो गारंटी आपके पास ने, आपके पास इसके गारंटी है? मोदी जी कहे 5 तारीख का कौन चीज है कि हम दिया जलाएंगे मंदिर का? मोदी जी कहेंगे कि पैर ऊपर करके सूत जाओ तो लोग पैर ऊपर करके सूत जाएगा? मोदी जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं वो मानने वाले लोग के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, राम मंदिर प्रॉपर तरीके से सर बना नहीं है, एक बड़ा सवाल है। राम मंदिर प्रॉपर तरीके से बना भी नहीं है और उसका उद्घाटन भी हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर बीजेपी को? यह बीजेपी का मनमानी है, वह मनमानी करता है। आपने देखा होगा कि मीडिया के माध्यम से जितना भी चार मठाधीश है जिसको शंकराचार्य कहता है और जितना साधु संत है, वह तमाम लोग विरोध कर रहा है प्रधानमंत्री जी को। यह बात उनको सोचना चाहिए। अगर राम मंदिर का सही मुहूर्त अर्थ है ये 22 तारीख निकाला गया, अगर तमाम लोगों से जो अयोध्या के मठाधीश हैं, जो महंत लोग हैं, उनसे आज विचार विमर्श करके अगर कोई सही निर्णय लेता तो ऐसा नहीं होता। इस देश के प्रधानमंत्री जी समान्ति है और खुद निर्णय लेते हैं। जो काम साधु का है, जो काम संत का है, वह काम यह अपने हाथ से खुद करते हैं। इसलिए इस देश का साधु संत भी इस बार बीजेपी को माफ नहीं करेगा। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी नाराज नजर आ रहे हैं, क्या लगता है फिर से पलटी मारने वाले, फिर से बीजेपी में शामिल होंगे क्या? क्या आपको कहा कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी नाराज है? नाराज है, सरकार कैसे चल रहा है? कहीं कुछ नहीं है। ये बीजेपी मीडिया का कमाल है। आप लोग जो दिखाइएगा वही जनता देखेगा। आप लोग अपना बना बना के दिखाते हैं, कहीं कुछ नहीं है। महागठबंधन एकजुट था, एकजुट है, एकजुट रहेगा। सरकार है, सरकार आगे चलते रहेगी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और हम लोगों के उप मुख्यमंत्री बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। अच्छा, जेडीयू में, इंडिया गठबंधन में जेडीयू मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होना चाहिए नीतीश कुमार जी को, इसको लेकर? ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी जदयू के नेता का बयान नहीं आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जो हो। इंडिया गठबंधन का जब बैठक होगा और उस बैठक में तमाम लोग रहेंगे और जितना भी नेता हैं वह तमाम लोग तय करेंगे। और इस बार मैं आपको कह देना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री बिहार से बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अलौली विधानसभा के विधायक राम वृक्ष सादा जी हमारे साथ थे, जिनसे अहम मुद्दों पे हमने बात की। आपका क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।